मध्य प्रदेश में जिस दिन से बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है उसी दिन से ये चर्चा जोरों पर हो रही है कि बीजेपी ने तो आधा दर्जन से ज्यादा सीएम उम्मीदवार बना दिए और इस चर्चा को हवा दे दी है कैलाश विजयवर्गीय के एक वायरल बयान ने। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, क्यों कैलाश विजयवर्गीय ट्रेंडिंग में है, रिपोर्ट देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल है। इंदौर वन सीट से चुनावी अखाड़े में उतारे गए कैलाश विजयवर्गीय चुनाव बाद जिस बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं उसको लेकर अटकलों का बाजार इंदौर से भोपाल तक गर्म है। वैसे चर्चा तो पहले से हो रही है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय सहित दिग्गजों को चुनावी अखाड़े में उतारकर बीजेपी ने आधा दर्जन से ज्यादा सीएम के दावेदार खड़े कर दिए हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान उस चर्चा को और पुख्ता कर रहा है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट मिला तो उन्होंने कैमरे पर आकर कहा था कि उन्हें भी आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने लड़ने की नहीं प्रचार करने की प्लानिंग की थी। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरा मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, सच कह रहा हूं मैं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया। अब उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी की बात कहकर माहौल गर्मा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय को जब से टिकट मिला है तब से वो वायरल होने वाले बयान ही दे रहे हैं। कांग्रेस तंज कसते हुए कह रही है बीजेपी जा रही है तो कैलाश को पार्टी मंगल ग्रह की जिम्मेदारी देगी। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप विधायक बन भी नहीं सकते क्योंकि आप झूठों के सरदार हैं। आप जहां जाते हैं चुनाव हारते हैं। आपको हाँ हो सकता है कि कहीं चांद की, मंगल ग्रह की, किसी और जगह का प्रभार इनको दिया जाए, लेकिन जनता तो जिम्मेवारी नहीं देगी। वैसे कैलाश विजयवर्गीय से भी जब वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया तो बिना जवाब दिए निकल गए। वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें आपने कहा कि मुझे पार्टी पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी, उसको लेकर। इंदौर की जिस सीट से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट को बीजेपी लगातार 2003 से जीत रही थी, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को 8,000 वोटों से हरा दिया। पार्टी ने हारी हुई सीट को जीतने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को थमा दी, साथ ही चुनावी मैदान में उतारकर आसपास की सीटों पर भी असर डालने की रणनीति है। अपने वायरल बयानों से कैलाश वो भी कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।